देखिए नया चेहरा को लावेंगे तब है ना परिवर्तन होगा। चेंज होना चाहिए ना, कम से कम 10 साल रहा है कम से कम। सरकार ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा विकास गति से आगे बढ़ रहा है। मुकेश यादव से बेहतर कोई विकल्प नहीं, कोई भी नहीं उससे बेहतर। देखते हैं इस बार वोट दे कर करके अब निश्चित उसको जितना ही जितना है उसी को वोट देना। हम लोग ना हम लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाह रहे हैं। ऐसा धंधा पानी है लॉकडाउन में, एकदम सड़ा हुआ धंधा। अभी तक कोई नेता आईबे नहीं किया है लॉकडाउन जब से लगा है। नीतीश कुमार ने कोई विकास नहीं किया। आप देख लीजिए मुंगेर का पुल हो चाहे घोरघाट पुल हो, 20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। पहले से ज्यादा बदतर हालात हो गया पूरे बिहार का। अरे लॉकडाउन में कुछ मिलने वाला ना है। हम लोग टेम्पू ड्राइवर हैं, बैठे हुए हैं। कोई नेता आया देखने के लिए? कोई नेता नहीं आया अभी तक। अच्छा, अभी तक कोई नेता आईबे नहीं किया है। अच्छा, लॉकडाउन जब से लगा है था कि भूखा है कि मरा है कि जिंदा है। अरे चेंज होना चाहिए ना, कम से कम 10 साल रहा है, कम से कम 10 साल रहा है तो अब चेंज होना चाहिए। कहे कि हाँ उसकी माँ जो है चेयरमैन है, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, और उसका नाम भी सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, तो देखते हैं इस बार वोट दे कर करके। अच्छा, हाँ वोट आने वाला है, देखिए अब आगे क्या विकास का काम होता है। सारा व्यवस्था चौपट हो चुका है जी। और पहले से ज्यादा बदतर हालात हो गया पूरे बिहार का जी। जी। कहीं रेप, कहीं मर्डर जी, कहीं छिनतई जी, इस चीज की घटना ज्यादा हो रही है जी। इस पे थोड़ा सा लगाम लगाने की बहुत जरूरत है कि देखिए नया चेहरा को लावेंगे तब है ना परिवर्तन होगा। किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? मुख्यमंत्री आप जब यहाँ से उड़ा के उसको भेजेंगे तब ना बनेगा, फिर पहले बना कर भेज दें। जब यहाँ से हवाई जहाज पर उसको चढ़ा देंगे पार्लियामेंट में तब ना वो फिर बनेगा। यहाँ वोट देना उसको खाली, अब आगे उसका ना बनेगा पार्लियामेंट में। तो विधायक किस पार्टी का मुंगेर से बना रहे हैं? राजद से। राजद से? हाँ। 15 साल से विकास का क्या क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में? मुंगेर में रेल पुल, सड़क का निर्माण, इंजीनियरिंग, पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, वाल्मीकि महाविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, अनेकों प्रकार की विकास की योजनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास की धारा को बढ़ाया है। क्या विकास देखे 15 सालों में? कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं? कोरोना काल में आया कोई नेता मदद करने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या आप दुकान चलाते हैं? क्या आप दुकान के आगे बैठे हुए हैं? बस दुकान है, बस यही है, दुकानें हैं। कैसा धंधा पानी है लॉकडाउन में? एकदम सड़ा हुआ धंधा है। नई सरकार बनेगी तो ही परिवर्तन होगा ना। अच्छा, कौन बनेगा मुंगेर का विधायक? मुंगेर का भैया मुकेश यादव बनेगा। राजद का आदमी है, हमें तो राजद से पार्टी में आई है हमें तो। अच्छा, हाँ उसी को जिता का पार्लियामेंट भेजना है। अच्छा, अब विकास का काम आगे होगा। मुंगेर से कौन खड़ा है? राजद से? राजद से मुकेश यादव है। एकदम निश्चित जीत होगा। अब एकदम निश्चित उसको जितना ही जितना है। वो अगर नहीं जीता इस बार तो सोचिए कि फिर नाम से है ना बेकार हो गया। मुकेश यादव से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। आप कब से वोट कर रहे हैं? वोट तो हम 96 कर रहे हैं। 96 से? तो इस बार मुंगेर का विधायक किसको बना रहे हैं? मुकेश यादव। मुख्यमंत्री तब कौन बना रहे? किसको? SP यादव को। हाँ जी, उसी को बनाना है। अच्छा, क्रांति। जी जी जी, क्या क्रांति ला रहे हैं इस बार? क्रांति के मुकेश जी को जिताना है और बस उसी को वोट देना। हम लोग नीतीश कुमार ने कोई विकास नहीं किया। आप देख लीजिए मुंगेर का पुल हो चाहे घोरघाट पुल हो, 20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। आपकी डबल इंजन की सरकार है फिर भी आप विकास नहीं कर रहे हैं। तो विकास नहीं करते, इंसान विकास पे वोट देता है। वो साइकिल का पैसा दे दीजिए या कुछ दे दीजिए, मैं शिक्षा देख रहे हैं बिहार की धरातल पर है। अभी इतना बिहार के लोग जा रहे हैं कोटा पढ़ने के लिए। कोटा क्यों जाते हैं? बिहार में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? पटना में हैं, हमारे भागलपुर में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? हमारे बिहार का पैसा बाहर क्यों जाता है? ये सोचने की बात है नीतीश कुमार के लिए। जो भी स्टूडेंट जो है जो दूर दराज जाते थे पढ़ने लिखने के लिए, उनके लिए उत्तम व्यवस्था शिक्षा का आधारशिला रखा है। बहुत जल्द जो है वो भी साकार होगा सपना। सरकार ठीक है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारा विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। पुनः हम लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाह रहे हैं। लॉकडाउन में इतना मुसाफिर फंसे हुए थे, उसको सोचना चाहिए कि वो पैदल आए हजार हजार किलोमीटर, दो दो हजार किलोमीटर आदमी साइकिल चला के आए हैं। एक हमारी बिहार की बिटिया आई थी जो कि 1200 किलोमीटर साइकिल चला के आई थी।
तो नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि जनता के लिए उसने क्या किया। इस समय नीतीश कुमार का कोई चारा नहीं है, लोजपा भी अलग हो चुकी है और नीतीश कुमार अपने जाल में खुद फंस चुके हैं महागठबंधन को छोड़कर। क्या नाम है आपका? MD अली अकरम। अच्छा, वोट करेंगे इस बार? जी बिल्कुल जी, परिवर्तन को होगा और विकास का वोट होगा। मुंगेर का भी तो नीतीश की सरकार में उतना विकास नहीं हुआ है, शिक्षा दर भी बहुत कम है और स्वास्थ्य तो पूरा जर्जर हालत हो रही है जी। सड़क व्यवस्था भी पूरी जर्जर हो रही है जी। तो इस बार परिवर्तन और विकास को वोट देंगे RJD को। कोरोना काल में आया कोई नेता देखने के लिए? जी नहीं, कोरोना काल में तो कोई नेता नहीं आया है देखने के लिए, वोट मांगने आता है सब बस। वोट मांगने जी। देखिए, जनता के साथ हम लोग चलेंगे, जनता का राह जिस बार जिस तरह चलेगा उधर हम लोग चलेंगे। और समाज से बढ़ के कोई कानून नहीं है, कोई सेवा नहीं है, जिस तरह समाज चलेगा उसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।